कुंज बिहारी गया। जय गोपी जय न बल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जय न बल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जय न बल्लभ Yeah.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्ला श्रवण कर रहे थे श्री गुरु जी की महिमा, भक्तों की महिमा, कथा की महिमा, इसकी महिमा को हम श्रवण कर रहे थे। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती इस भगवत कथा में कौन कौन ये भगवत कथा में आते हैं। कहते साधारण व्यक्ति ये भगवत कथा में साधारण व्यक्ति नहीं आते हैं। बोले आते हैं कौन? बोले अति हरि कृपा जाप रहो। बोलो अति हरि कृपा जाप रहो अति हरि कृपा जाप रहो अति हरि कृपा
कथा तोई अति हरि कृपा कर अति हरि कृपा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा रूपी गंगा में सभी गोता नहीं लगा सकते हैं। बोले कौन कथा रूपी गंगा में कौन गोता लगा सकता है? बोले वही लगा सकते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर हो। भगवान की दो तरह का कृपा है। कितने तरह की कृपा है? कैसे कहते एक डायरेक्ट कृपा और एक इनडायरेक्ट कृपा है। कहे जिसके ऊपर भगवान की सीधा कृपा हो जाए, एकदम डायरेक्ट कृपा हो जाए, बोले पार्वती पाप दहिया संगत सोई, वही व्यक्ति ही ये हरि कथा में आ सकता है, वही व्यक्ति ये कथा रूपी गंगा में स्नान कर सकता है। जिसको ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो ये कथा में नहीं आ सकते हैं, ये कथा में नहीं आ सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया जो कथा में नहीं आते हैं हैं वो लोग कौन है? कथा में नहीं आ सकते कौन है जो कथा में नहीं आ सकते हैं? तब उन्होंने बोले अति खल जे पीसाई बक कागा, अति खल जे पीसाई बक कागा, ऐसा निकट नहीं जाए भागा, ऐसा निकट जाइए अभागा, सब कभे कतबा रसमाना, ज्ञान विषय कथा रसनाना, अति खल जे विषय पग खागा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा में कौन कौन आते और कौन कौन नहीं आ पाते, कथा में कौन कौन नहीं आते। कथ अति खल जो अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है ना वो कथा में नहीं आता। कहते जो विषय जो अत्यंत विषय में जो डूबा हुआ व्यक्ति कहते वो कथा में नहीं आएगा। कहते जो बगुला है, हम कल कथा सुन रहे थे ना, काक होई पिक बकौ मराला, इसलिए कहते जो बगुला है जो गंदी चीज को ढूंढता है कहते कथा में वो नहीं आ सकते हैं। और जो कौए है जो का करने वाले कहते वो कथा में नहीं आ सकते हैं। यही सर निकट न जाए अभागा, इसलिए ये कथा रूपी गंगा में इस जो अभागा व्यक्ति ये कथा में नहीं आ सकते, ये कथा में नहीं आ सकते हैं। कारण नहीं आने का क्या कारण? कथा में क्यों उनका रुचि नहीं होता, क्यों कथा में नहीं आते? बोले कारण है संपुक भेक सेवार समाना, जैसे मेढक बरसात का समय टटर टटर करता है ना, इसलिए भागवत में क्या बताया, जीवा असति दार दुरी का एव सुत नच उपगायती उरुगाय गाथा। भगवान जिनको जीवा दिया लेकिन जीवा देने का सत्व में भी क्या भगवान की जो कथा नहीं बोलते हैं उसका जीवा कैसे? मेढक जैसे टटर टटर करता है ना, और जो पुरुष मेढक और स्त्री मेढक को बुलाती है, बोला आजा आजा बीबी आजा बीबी बीबी तो आती नहीं, सर्प आ जाती है, आकर क्या करती है उसको निगल लाती है, फिर क्या टेट 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 करना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं इसलिए ये दुष्ट व्यक्ति नहीं आते हैं क्योंकि भगवत कथा में तो हरि चर्चा है, भगवान की चर्चा, भगवान कथा तो मीठा मधुर, भगवान की कथा कैसे है? बोले तब कथा मृत ताप्तजी ही बना कभी भी श्रावण मांगल मदा तदा
भगवान कथा कैसे बोले, तब कथा अमृतम और तप्त जीवनम, जो दुखम है जीवन को शांत दिलाने वाले, जीवन का सारे दुख को दूर करने वाले और जीवन को मंगल मंगलमय देने वाले, संसार का आसक्ति को खत्म करने वाले, और जगत में जो कथा को दान करते वो सबसे बड़ी दानी है। इसलिए कथा में तो भगवान की कथा है, आनंद है, लेकिन कौन नहीं आते हैं, कहते जो खल है, जो विषय, जो कौवा और जो बगुले है, कहते वही लोग नहीं आते। क्यों? वहां पर तो दुनियादारी की बात मिलेगी नहीं, वहां पर तो भगवान की सुंदर सुंदर कथा मिलेगी, लेकिन दुष्टों को भगवान की कथा में पसंद नहीं, इसलिए वो लोग यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। ते ही कारण आप तहारे, ते ही कारण कियत आहारे, काबी का तो बला का विचारे, आप तहे सार अति कठिनाई, आप तहे सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। इसलिए कहते आप तो यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। इसलिए भगवत कथा में आना बड़ा कठिन है। बोले कठिन क्यों है? कहते भगवान कथा तो बड़ा मीठा है, बड़ा आनंददायी भगवान की कथा है, भगवान कथा बड़ा मीठा मधुर भगवान की कथा है, लेकिन फिर कठिन क्यों है? कारण क्या, कठिन क्यों है? बोले कठिन इसलिए, कठिन को संग को पथा करा अला, कठिन को संग को पथा करा अला, वचन बाग हरि प्याला, गृह कर जना न जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, कठिन को संग को पथा कराला, सीना के वचन बाग हरि प्याला। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले कठिन को संग को पथ कराला, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, इसलिए भगवत कथा में आना कठिन होता है। कहते कठिन कुसंग कुपथ कराला, जो असत संग है, हैं? अब देखना किसको चुगली निंदा ही हो ना, कान खड़ा हो जाता। दुनिया में इतना तो मीठा और कुछ है ही नहीं, दूसरे की चुगली और निंदा करने में जितने मीठा है, हैं? सबसे ज्यादा मीठा बद्ध जीव के लिए चुगली निंदा, इधर उधर का बात हमें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए कहते जो कठिन कुसंग कुपथ कराला, इसलिए जो असत संग है, जो कुसंग है, ये बड़ा है, ये बड़ा कराला है। तिन के वचन बाघ हरि प्याला, कहते जो कुसंग है, कुसंगियों का जो वचन ही बाघ है, सिंह और सांप है, इनका वचन कैसे है? बाघ हरि और प्याला है, बाघ हरि प्याला, मतलब वचन कैसे बाघ सिंह और सांप जैसे, और गृह कार्य जन नाना जंजाला, घर का जो काम है बड़ा जंजाल है, ते अति दुर्गम शैल विशाला, सिनेमा देखने के लिए जाना हो ना, सिनेमा देखने के लिए घर का अगर 5 घंटा काम हो ना, अभी 5 घंटा काम को 2 घंटा में निपटाएंगे और 3 घंटा सिनेमा देखने जाएंगे, और वहां पर उल्टा पुल्टा सिनेमा क्या बताओ, जो झूठ मूठ झूठ है, झूठे चीज को एक रुको के दे दिया, उसको 3 घंटा आग फाड़ फाड़ कर बैठ कर देखेंगे,
अब पैसा दे करके, फिर आधा घंटा पहले जाएगी लाइन में खड़े होगी, गंदी से गंदी पिक्चर होगा ना, फिर अगर टिकट नहीं मिलता है ब्लैकमेल खरीदी करेंगी और पैसा खर्चा करेंगे बुरी बुद्धि को बर्बाद और नरक का रास्ता खाली करके आ जाएंगे। लेकिन जब बोले भैया चलो भगवान की कथा और ये ठाकुर कथा, अरे ये काम है हमारे पास में समय नहीं, पता नहीं कितना बहानाबाजी, कितने बहानाबाजी कहते। इसलिए कहते गृह कार जनाना जंजला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये बड़ा हरि कथा भी जाना बड़ा जंजाल है, गृह कार्य बड़े जंजाला। इसलिए कहते, इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती हैं, पार्वती ये सत्संग में जाना बड़ा ही कठिन है, हाँ ये बड़ा कठिन है सत्संग में जाना। लेकिन जो सत्संग में आते हैं वो लोग कौन हैं, बड़े सौभाग्यवान, बड़े सौभाग्यवान। इसलिए शंकर जी कहते हैं तात सुनहु सादर मानु लाए, तात सुनहु सादर मानु लाए, कहो राम के कथा सुहाई, मोहा महो माई देशो विशाला, राम कथा काली काक राला। इसलिए कहते इसलिए तात सुनो सादर मनु लाई, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती इसलिए कथा को क्या करो, बड़े आदर पूर्वक मन को लगा करके भगवान की कथा सुना, कहो राम की कथा सुहाई, महा बहु महिषेशु विशाला। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, हैं कहते जो महा बहु महिषेशु विशाला, बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर, कहते ये महिषासुर उदाहरण दिया, इस महिषासुर क्या है, ये जो अज्ञान बहुत बड़े अज्ञान है। लेकिन राम जी का कथा क्या है, बोले राम कथा काली का कराला। महिषासुर किसने वध किया था, महिषासुर किसने वध किया, माता देवी ने, काली ने, काली माँ ने क्या किया, महिषासुर को उन्होंने वध किया है। कहते उसी तरह शंकर जी कहते पार्वती हैं, इसलिए ये जो असत संग ये महिषासुर के बराबर है, लेकिन राम कथा के इसे बोले काल जैसे महिषासुर को वध किया था, इसलिए भगवान राम की जो कथा है वो भी ये महिषासुरों को वध करने वाले भगवान की राम कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, सत्त चकरो रही जे ही पाना, संत चकर रही जे ही पाना, ऐसाई संसाय कीना भवानी, महादेव तब कहा बखानी। चलिए यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज को कह रहे, बोले भरद्वाज राम कथा शशि किरण समाना, बोले भगवान राम की कथा कैसे हैं, बोले जो शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का किरण जैसे है, चंद्रमा का किरण जैसे है। लेकिन संत लोग कैसे है, साधु लोग कैसे है, कहते चकोर, चकोर एक चिड़िया होता है, वो क्या करता है, चंद्रमा का जो किरण को पान करता है, चंद्रमा का किरण को, चकोर चंद्रमा का किरण को पान करते हैं। कहते उसी तरह संत लोग क्या है, कहते ये चकोर है, हैं चकोर जैसे वो चंद्रमा का किरण को पान करते हैं, कहते राम कथा शशि किरण समाना, भगवान राम की कथा भी चंद्रमा का किरण जैसे, और संत लोग क्या करते हैं, राम कथा रूपी किरण को पान करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, हे भारद्वाज, ये प्रश्न किसने किया था, भारद्वाज ऋषि ने किसको किया था, याज्ञवल्क्य ऋषि को, क्या प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था, अरे बोलो क्या प्रश्न किया था, हाँ हाँ। इसलिए
कहते ये राम कौन है? है जो राम की कथा आप सुनाते हो, वो परम ब्रह्म परात पर तत्व अनंत कोटि अखिलेश्वर ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन ये मालिक होते हुए भी सीता का चोरी हो गया तो सीता मोह में लता पताओं को पूछ रहे थे, हाँ हासिते हासिते। फिर सीता के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा लंका ध्वंस, लंका को उन्होंने ध्वंस कर दिया। क्या यही राम, क्या वही, क्या जो परात पर परम ब्रह्म राम, क्या वही है? हैं, इसलिए क्या वही है? जब उन्होंने ये प्रश्न को की, तब श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, बोले भारद्वाज आप बड़े चतुर हो, आप बड़े चतुर हो। बोले क्यों? बोले आप कोई साधारण ऋषि नहीं, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, लेकिन जानने का बावजूद भी आप कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए अपने जान बुझ करके सारे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप बड़े चतुर हो, आप सब बात को आप जानने वाले हो, हैं, सब कुछ बात को तुम जानते हो, लेकिन केवल कथा सुनने के लिए तुमने जान बुझ कर ये प्रश्न किया। तब श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, तो उसकी फिर राम कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुनाते हैं। बोले क्या सुनाते हैं? हैं, कहते मेरी बुद्धि के अनुरूप जैसे होगा प्रभु की कथा में सुनाने का प्रयास करता हूँ। बोले एक बार त्रेताया युग माही, बोलो एक बार त्रेताया युग माही, एक बार त्रेताया युग माही, एक बार त्रेताया युग माही, सब हो गए हो भज ऋषि पाई, सब हो गए हो भज ऋषि पाई, संत सती जग जननी भवानी, बोलो संग सती जग जननी भवानी, पूजेर से आखिले स्वर जानी, पूजेर से आखिले स्वर जानी। एक समय में के तृतीया युग में कहते श्री शंकर जी कथा सुनने के लिए उन्होंने कहां पर गए थे? श्री अगस्त ऋषि, मतलब श्री अगस्त ऋषि श्री नर्मदा नदी किनारे में अगस्त ऋषि रहते थे, इसलिए कथा के महात्म्य में हम ये कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के लिए शंकर जी कितने दूर से आए, कहां से आए? कैलाश से। देवता लोग कहां से आते हैं? बोले स्वर्ग से। ब्रह्मा जी कहां से आते हैं? ब्रह्मलोक से। शंकर जी कहाँ से आते हैं? कैलाश से। गरुड़ जी कहाँ से आते हैं? वैकुंठ से। मतलब कथा की इतने महिमा, कथा की इतने महिमा, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते स्वर्गे सत्य च कैलाश वैकुंठ नास्ते अमरस, कि जो भगवत भक्ति रस, जो भगवान की कथा है, कितने दुर्लभ भगवत कथा है। देवता लोग कथा सुनने के लिए देवलोक छोड़े, ब्रह्मा जी ब्रह्मानी कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक त्याग दिया, शंकर सत्य कथा सुनने के लिए कैलाश लोग त्याग दिया, और गरुड़ जी कथा सुनने के लिए वैकुंठ त्याग देते हैं, कथा सुनने के लिए, केवल कथा सुनने के लिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते अतः विवत्तु सद्भाग्या, इसलिए कथा रस को कौन पान कर सकते हैं? बड़े भाग्यशाली व्यक्ति ये कथा को पान करते। इसलिए प्रभुपाद भी कहते देखो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, जैसे बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम लोगों को आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम इसका महिमा नहीं समझ रहे। हम लोग आसानी से मिल जाते हैं ना, लेकिन हम जो लोग विदेश जाते हैं हमारे पीछे कितने पैसा खर्चा करते हैं, हैं? एक बार टिकट में 1,00,000 रुपया लग जाती है। और जब हम हॉलैंड में जाता हूँ कथा सुनाने के लिए, कितने 1,00,000 रुपया केवल आने जाने का टिकट इधर उधर करते 1,00,000 रुपया खर्चा हो जाती है। केवल मैं किसी दिन निकल जाता हूँ, कभी कभी 5 दिन 7 दिन 8 दिन के लिए जाता हूँ, लेकिन उन्होंने 1,00,000 रुपया खर्चा कर देते हैं केवल एक बार जाकर। क्यों? हमें भगवान की थोड़ी कथा में सुनने को मिलता है। इतने जो अमेरिका जाते हैं, जो फ्रांस जाते हैं, अभी जो इटली जाते हैं, और जो हम लोग जाते हैं कहाँ पर,
ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कितने पैसा खर्चा होता है, गोपाल कितना पैसा यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाने आने का, हाँ 17,000 रुपया, हाँ किसके किस लिए बुलाते हैं, किस लिए, केवल कथा सुनने के लिए बुलाते हैं। इसलिए प्रभुपाद खुद कहते, बोले देखो जो भगवान की जो कथा है ना, सहज में ये कथा सुनने को नहीं मिलती है, बड़े भाग्य से हैं, जिन्हें गृह भजन देखे गृह तो गोलोक भाए, इसलिए साधारण भाग्य से कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए बात कौन कह रहे हैं, तेरे गरे व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर श्री जाज्ञवल्क भारद्वाज को कह रहे हैं, उधर शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं, और उधर काक भुसुंडी हैं गरुड़ जी को कह रहे हैं कि कथा साधारण भाग्य से कथा सुनने को नहीं मिलती, बड़े सौभाग्य से भगवत कथा, बड़े सौभाग्य से कथा सुनने को मिलती है। इसलिए कहते एक बार त्रेता युग में हमारी और आपकी बात छोटे शंकर जी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कहा कुंभज ऋषि पाए, हैं शंभु जी शंकर जी सती को लेकर के कैलाश से कहाँ पर गए, हैं कहते श्री नर्मदा नदी किनारा में अगस्त ऋषि को चरण में गए, और वहाँ चरण में रह करके हम बोले संग सती जगत जननी भवानी, कहते किसको साथ में लेकर के, जगत जननी जगत अम्बा जगत जननी श्री माता जी स्वयं, शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी, और साथ में जगत जननी माँ जगदम्बा स्वयं माँ देवी, इनको लेकर गए हैं। लेकिन वहां पर जब वो गए हैं, बोले पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताते हैं, कथा सुनने के लिए गए थे किसको पास में, गए थे उन्होंने श्री अगस्त ऋषि के पास में, लेकिन वहां पर कथा सुनने के लिए गए वहां पर, लेकिन वहां पर श्री अगस्त ऋषि क्या कर रहे, पूजा किसको कर रहे, शंकर जी, शंकर जी कर रहे, बोले क्यों, कारण क्या, उनको पता है शंकर जी साधारण व्यक्ति नहीं, राम कथा के मूल वक्ता श्री शंकर जी, उनकी महिमा को जानते हैं। लेकिन कथा ऐसे की चीज है ना, मतलब कथा ऐसे की चीज है, हैं कथा ऐसे की चीज है, कहते कथा में इतने रस, इतने रस कथा में रस है, हैं कथा में, इसलिए कहते ना कथा भाई ज्ञानी बनकर के मत सुनो, अज्ञानी बनकर कथा सुनो, अज्ञानी बनकर के कथा सुननी चाहिए, हैं इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी कथा सुनने के लिए गए, लेकिन उल्टा पूजा कर रहे, कौन अगस्त ऋषि शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। बोले राम कथा मोनि बार जब खानी सोनी महेश परम सुख मानी ऋषि पोति हरि भक्ति सुहाई काहि सम्भो अधिकारी पाए राम कथा मोनि बर जब खानी। यहाँ पर कहते हैं, कहते जो भगवान राम की कथा उन्होंने किसको, श्री शंकर जी को राम की कथा सुनाई, और सुनी महेश परम सुख मानी, हैं जो मूल वक्ता रामायण की जब वो कथा सुनते हैं, हैं कथा ऐसे की चीज है, कथा सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई शंकर जी, क्यों भगवान की कथा बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है, बड़ा सुख माने। फिर कभी कभी ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, फिर श्री अगस्त ऋषि ने शंकर जी से प्रश्न किया हरि भक्ति के बारे में हमें कुछ बताओ, हैं कहीं सब वो अधिकार पाए, शंकर भी हरि भक्ति की बात किसको बताए, बताए श्री, हैं कहते श्री किसको बताए, श्री अगस्त ऋषि को, बोले क्यों बताए, कारण है बोले अधिकारी पाई। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते ना हमारे उड़िया में एक कहावत है हाटर मध्य ब्रह्म ज्ञान, उड़िया में है ना, उड़िया में हाटर मध्य ब्रह्म ज्ञान, हाट हाट का बीच में ब्रह्म ज्ञान नहीं बताते, हाट के बीच में ब्रह्म ज्ञान नहीं बताते, ब्रह्म ज्ञान उपयुक्त व्यक्ति को ही ये ब्रह्म ज्ञान बतानी चाहिए, सब जगह में नहीं बतानी चाहिए, हाँ जिसको अनधिकारी जिसका रुचि है नहीं उनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। इसलिए लेकिन यहाँ पर जब शंकर जी ने देखा ये अगस्त ऋषि अधिकारी है, फिर उन्होंने उनको भगवान की भक्ति की बात बताई।
इसलिए कहते कहत सुनत रघुपति सुन गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। इसलिए शंकर जी कुछ दिन हरि चर्चा है, हरि चर्चा अगस्त ऋषि को साथ में हरि चर्चा करते हुए उन्होंने कुछ दिन रहे। बोले मुनि सन विद्या मागी त्रिपुरारी चले भवन शंक दक्ष कुमारी। कुछ दिन रह करके खूब हरि चर्चा किए, हरि कथा में आनंद लिए, लेकर के कुछ दिन बाद में उन्होंने मुनि जी का आदेश को लेकर के उन्होंने दक्ष कुमारी कहते कहा फिर अपना भवन में दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कौन है? कहते श्री सती। इसलिए कथाकार लोग कुछ कुछ इसमें बात करते हैं, जब पहले जब उन्होंने बताए संग सती जगत जगन्नी भवानी, लेकिन पहले जब उन्होंने बताए कहते शंकर जी जगत जननी भवानी को साथ में लेकर गए, लेकिन जब यहाँ फिरे है ना, यहाँ पर कहते किसको साथ में फिरे? बोले दक्ष कुमारी। कहते दक्ष कुमारी को साथ में लेकर के आए। बोले ऐसे क्यों बता रहे दक्ष कुमारी को बोले वापस आए? कारण है ये जो दक्ष है ना, शंकर जी को अपमान किया था, शंकर जी को अपमान किया था, इसलिए सती ने प्राण त्याग की। इसलिए यहाँ पर कह रहे जिसे दक्ष शंकर जी को चरण में अपराध किया, अवमानना किया, अभी श्री दक्ष कुमारी सती भी अभी कुछ अपमान करने वाली। इसलिए यहाँ पर पिताजी को साथ में उन्होंने लड़की की नाम को ग्रहण किया है। अभी जब ठीक समय आ रहे थे है? कथा सुन करके आ रहे थे, अभी कथा सुनने का फल क्या है? कथना हरी कोथाए, हरी कोथाए, हरी कोथाए, हरी कथाए। हरी कहाँ पर है? हरी कथा में ही हरी। इसलिए कहते हैं ना मद भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा सुनाते मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए कथा सुनने का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन है। इसलिए शंकर जब कथा सुन करके आ रहे थे, अभी शंकर जी के मन में इच्छा हो रहा था क्या प्रभु जी का दर्शन मिलेगा। अभी तो कथा सुन करके प्रभु का आए, प्रभु जी के दर्शन मिले, प्रभु जी के दर्शन मिले, शंकर जी के मन में ये उत्कट था प्रभु दर्शन मिले। लेकिन जब ठीक आ रहे थे उस समय क्या हुआ? ते ही अवसर भजन माही भारा, ते अब सर भजन माही भारा, हरि रघुवंश लीना अवतारा, हरि रघुवंश लीना अवतारा, पिता वचन सजी राजो दासे, पिता वचन सजी राजो दासे, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अभी जब शंकर जी ठीक आ रहे थे, मन में भावना किया ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर का दर्शन मिले, ठीक उसी समय में, ठीक उस समय तही अवसर भजन महाभजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। इसलिए उसी अवसर पा करके मही मतलब पृथ्वी की भार को उतारने के लिए भगवान स्वयं रघुवंश में भगवान राम स्वयं अवतार ग्रहण किया है। इसलिए पिताजी के वचन को पालन करने के लिए भगवान कहाँ पर रह रहे थे? दंडक वर्ण विचरत अविनाशी है, जो अविनाशी अनंत है वो क्या कर रहे हैं? दंडक वन में विचरण कर रहे थे। जब दंडक वन में विचरण कर रहे थे ठीक उसी समय में क्या हुआ? अभी शंकर जी सोच रहे प्रभु का दर्शन कैसे मिले, प्रभु का दर्शन कैसे मिले, और उसी समय में क्या हुआ? रावण ने सीता को उठा करके ले गया, रावण सीता को उठा करके ले गया। जब उठा करके ले गया उसी समय में भगवान राम हा सीते हा सीते बोल करके विकल होकर के लता पता पेड़ वृक्ष सबको पूछ रहे थे मेरी सीते को कहीं देखे। देखो ध्यान देकर सुनो, ब्रह्मचारी लोगों सुनो ध्यान देकर। इसमें एक राम कथाकार बोल रहे थे, एक समय भगवान प्राय करके
जब दंडकारण्य में रहे, ऋषि मुनियों का आश्रम पास में रहे अक्सर करके, ऋषि क्योंकि ऋषि मुनियों का आश्रम में रहने पर हरी कथा सुनने को मिलेगा, हरी चर्चा, संत दर्शन, इसलिए पास पास में रहा करते थे। लेकिन साथ में कौन, सीता और लक्ष्मण, और सीता तो माँ लक्ष्मी, माँ जगत जननी, लक्ष्मी साक्षात है, इसलिए सीता इतने राम की सेवा करती थी, देखने में बड़ी सुंदरी, और सीता तो मानो हृदय में प्रभु को बैठा करके रखती थी। सीता प्रभु की चरण को सेवन करना, प्रभु आए तो चरण धोना, उनकी चरणामृत लेना, बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके प्रभु राम की सेवा करवाना, भोजन कराना, वो तो सीता जगत जननी बड़ी सेवा करती थी सेवा। अभी राम कहाँ पर रहते थे, सब ऋषि मुनियों का आश्रम में ब्रह्मचारी लोग रहते थे। अभी ब्रह्मचारियों का दिमाग खराब, बोले क्यों, बोले भैया देखो शादी का जीवन तो बड़ा आनंद है, हाँ देखो सीता कितने सुंदर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उठने से पहले उठ करके आश्रम को साफ सुथरा कर देती हैं, भगवान स्नान करने से पहले पूजा की सारे व्यवस्था, फिर बढ़िया रसोई बना करके खिलाती हैं, प्रभु सोते तो चरण की सेवा करती हैं, हृदय में जैसे प्रभु को हृदय में बैठा कर रखती हैं, ये गृहस्थ जीवन तो बड़ा आनंदमय जीवन है। और हम लोग दिन भर है आश्रम में रह करके दिन भर गुरु जी की सेवा, और इसमें अपना जीवन तो ऐसे ही बिता दिया, हमने घर गृहस्थी किया है, ये बड़ा आनंदमय जीवन है। अभी ब्रह्माचार्य का दिमाग खराब, भगवान ने देखा, हे भगवान ये मेरी गृहस्थ लीला को देख करके देखो क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हम भी शादी कर ले, फिर क्या सोच रहे हैं, हम जो शादी करेंगे हमें कौन लड़की देगा, हमें लड़की कौन देगा, हम तो साधु संत जंगल में रहने वाले, लड़की भरे हम कम देगा, फिर सोच रहे हैं, कहते हमने सुना है जिस समय भगवान राम जनकपुरी में आ रहे थे, रास्ता में अहल्या एक पत्थर बनी हुई थी, और पत्थर में चरण लगते ही वो पत्थर इतने सुंदर, अहल्या तो बहुत सुंदर थी, इसलिए एक पत्थर बड़ी सुंदरी लड़की बन गई, बड़ी सुंदरी लड़की बन गई। बोले एक काम करते, बोले लड़की कहाँ मिलेगा, एक काम करो जिसको गोरी लड़की चाहिए ना स्त्री, उसको गोरे गोरे पत्थर, सफेद सफेद पत्थर, और जिसको काली काली स्त्री चाहिए उसको काली काली पत्थर, और जिसको सवर्ण वर्ण की है लड़की चाहिए ऐसे पत्थर लेकर क्या करो, प्रभु राम के चरणों में स्पर्श करा दो, स्पर्श करना प्रभु लड़की बन जाएगी, फिर तो हमारी एक एक स्त्री और एक एक स्त्री हो जाएगा। ये मन मन में ब्रह्मचारी लोग सोच रहे थे, भगवान ये ब्रह्मचारियों का ये स्थितियों को देख करके बोले भगवान अब क्या किया जाए, इनको शिक्षा कैसे दिया करें, इनको शिक्षा कैसे दिया जाए। इतने में रावण ने जब उनने सीता को उठा करके ले गया, भगवान राम जान बुझ कर क्या कर रहे थे, वो ऋषि मुनियों का आश्रम पर ज्यादा ज्यादा कर जाते थे, और वहीं पर जा करके विकल हो करके हासिते, रामायण देखे कि नहीं, विकल हो करके वहीं पर जा करके ब्रह्मचारियों को दिखा दिखा करके हासिते, तुम कहाँ हो सीते, लता बता पेड़ पौधों को पूछ रहे, रो रहे अजोर नयन में। ब्रह्मचारी लोग इसको देखते ना, बोले हे भगवान ये ठाकुर जी, ये भगवान भी अपना पत्नी को रक्षा नहीं कर पाए, रावण उठा करके ले गया, अरे हम लोग सोच रहे हैं हम भी के शादी करे, यहाँ पर तो राक्षस चार तरफ में रहते हैं, अगर हमारी बीवी को उठा कर ले गया तो, जब भगवान अपना पत्नी को रक्षा नहीं कर पाए फिर हम कैसे अपना पत्नी को रक्षा करेंगे, हैं कैसे रक्षा करेंगे। इसलिए ब्रह्मचारी ने कहा भैया नहीं, हम तो सोच रहे थे शादी बड़ा आनंदमय जीवन है, ये भगवान की लक्ष्मी चली गई, ठाकुर जी की लक्ष्मी चली गई, नहीं 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 भैया शादी नहीं करेंगे, बड़ा दुख में। जब हमारे श्री भागवत आचार्य जो कृष्ण प्रेम तरंगी इन्होंने जो रचना की है, अब देखना उन्होंने राम जो चरित्र को उन्होंने व्याख्यान की लास्ट में वो क्या कहते हैं, बड़े रामलीला का सारांश किया है भगवान, जो रामलीला किया है इसकी सारांश किया है, कहते इसका सारांश है स्त्री में आसक्ति होने पर, स्त्री में आसक्ति होने पर जीवन कितने दुख कष्ट भोगना पड़ता है भगवान दिखाया, जितने रामायण सीता को लेकर सारे दुख कष्ट का कारण
रावण उठा करके ले गया, उसके लिए कितना युद्ध करना पड़ा, फिर अग्नि परीक्षा हुई, फिर लाए तो धोबी ने फिर अंगुल उठाया, पूरा देश देश भर में चर्चा चर्चा, इतनी राम को भी निंदा कर रहे थे। फिर उन्होंने सीता को त्याग दिया, सीता त्याग दिया तो उसमें भी दुख है, फिर लास्ट में लव कुश आए तो उनको साथ में भी लड़ाई युद्ध सब चतुरंग में समाप्ति, और लास्ट में सीता जो पाताल चली गई, दुख ही दुख है रामायण में, दुख ही दुख है। कारण क्या? एक सीता को लेकर, और महाभारत क्या है? एक द्रौपदी को लेकर, एक द्रौपदी को लेकर के, जितने अंधा का बेटा अंधा होता है, हैं? अंधा का बेटा अंधा होता है, बस इतना बोल दी तो अब नहीं सुने हो, कोई लड़की मरी महाभारत युद्ध में? कौन मरे? सब लड़के मरे, सबके सब लड़के मरे, सबके सब कोई लड़की मरी है, चुपचाप घर में बैठी रही, केस खोल कर बैठी, केस खोल करके दिखा दिखा करके क्रोध दिलाने के लिए केस खोल कर बैठी गई, और पुरुष पुरुष लड़ झगड़ करके, हैं, पूरा लड़ झगड़ घर में भी देखना यही होता है, बहू है तो थोड़ी बहुत बस पति को कान में थोड़ा मंत्र डाल देते हैं, हैं, भैया ने ये बोला उसने ये बोला, बस चुपचाप बैठी रहती भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, हैं, झगड़ा पूरा महाभारत में सारे खत्म, लेकिन द्रौपदी थोड़ा सरी भी नहीं बोली, थोड़ी सरी भी नहीं बोली, हैं, इतने बड़े महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए एक कथा एक व्यक्ति कह रहा था, देखो यहाँ पर कथा में इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए, पुरुष और शरीर में देखो केवल दो ही, एक रंग का केवल एक कपड़ा एक धोती एक कुर्ता एक धोती बात करता है, एक प्यार छोड़कर कुछ है ही नहीं, सबको देखो, लेकिन यहाँ पर जितने स्त्रियों को देखो सब अलग अलग वस्त्र, सबके सब अलग अलग वस्त्र। वो कह रहे थे पत्नियां कमाते नहीं तब इतना बढ़िया बढ़िया पहनती, अगर पत्नियां कमाती ना लड़के लोग लघुटी पहन कर घूमते, समझो लघुटी पहन कर घूमते। इसलिए ब्रह्मचारी, हाँ, इसलिए भगवान ब्रह्मचारी बोले भैया और शादी शादी हम नहीं करेंगे, ये शादी बड़े दुख जीवन है। इतने में क्या हुआ है, उस समय जब रावण ने सीता को उठा करके ले गया, भगवान राम हासिते 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 बोल करके रो रहे, लता पताओं को वृक्षों को पूछ रहे थे। इतने में भगवान शंकर जी सती को साथ में जा रहे थे, लेकिन इस सती को इस सब रहस्य पता नहीं, कोई परात पर परम ब्रह्म तत्व भगवान स्वयं अभी नर रूप में अवतीर्ण होकर के दशरथ महाराज का पुत्र रूप में अभी नर लीला कर रहे, ये बात पता नहीं, लेकिन शंकर जी को सारी बात पता है। अभी शंकर जी का मन में इच्छा प्रभु का दर्शन करे, प्रभु का दर्शन करे, फिर शंकर जी क्या सोच रहे, बोले नहीं ये प्रभु को नरलीला है, प्रभु का ये नरलीला है, अगर मैं सामने चले जाऊँ ना प्रभु को जाकर प्रणाम करूँ क्या होगा, क्या पता चल जाएगा ये नर नहीं ये नारायण है, नर नहीं ये नारायण है। अभी शंकर जी बड़े दुविधा में पड़ गए, अभी मैं क्या करूं, लेकिन इच्छा क्या मन में, ठाकुर जी को दर्शन हो, ठाकुर जी को दर्शन हो, ठाकुर जी का लीला देखे, अभी साथ में सती है। इतने में भगवान राम ने दूर से सती को कुछ बोले नहीं, प्रभु राम को परात पर परम ब्रह्म तत्व बोलकर प्रभु राम को उन्होंने प्रणाम किया। जब उन्होंने प्रणाम किया इतने में सती की मन में शंका हो गई, और जब प्रभु जा रहे थे उसी समय में जो प्रभु को दर्शन करने का जो आनंद है वो हृदय बड़ा आनंद में उत्पन्न, क्यों, प्रभु की नर लीला दर्शन हुई ठाकुर जी को, बड़े भाग्य है ठाकुर का दर्शन हुआ। लेकिन इतने में तो सती की मन में तो खिलबिली मच रही थी। सती ने पूछा प्रभु आप किसको प्रणाम किया हो, आप किसको प्रणाम किए हो, हैं? अगर ये परम ब्रह्म राम होते क्या इतने बात पता नहीं, है रावण ने सती को उठा कर सीता को उठा करके अशोक वाटिका में रखा, ये मेरे को पता है क्या, इनको इतनी बात पता है ही नहीं क्या, हैं? इतने में शंकर जी समझाने के लिए कोशिश किया, देखो अभी जो अगस्त ऋषि को पास में तुमने जिस राम की परात पर परम ब्रह्म राम की कथा सुनकर गाई है यही राम है, लेकिन तो वहां पर बता रहे स्त्री का स्वभाव किया, वहां पर गोस्वामी जी का स्त्री का स्वभाव किया। इसलिए कहते ना दुनिया को आप मना सकते हो लेकिन पांच पग को नहीं मना सकते हो। पहला पग कौन, बोले पत्नी, दुनिया तुम्हारी बात सुनेंगे लेकिन पत्नी घर का पत्नी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बोले ये क्या समझाएंगे, इनको दिन भर में समझाते रहते, इनको
मैं ही समझाती रहती हूँ, ये क्या हमें समझाएंगे हैं? दूसरी नंबर अपना बेटी पुत्री दुनिया को पढ़ा लो समझा लो, कहना बेटी को नहीं समझा सकता हो। तीसरा पद कौन है? पुत्र। चौथा पद कौन है? बोले परिवार। देखना सारा दुनिया में तुम्हारे इज्जत हो, परिवार में कोई भी इज्जत नहीं हो। जितने तुम बड़े से बड़े हो जाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर इंजीनियर प्राइम मिनिस्टर हो जाना, तो घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। और जो पड़ोसी, सारा दुनिया में मित्रता हो, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा, कहते ये दुनिया को तुम मना नहीं सकते हो। इसलिए सती को समझाए, सती बोली ऐसे थोड़ी मान जा, लिखी बड़ी मैं ना, थोड़ी अनपढ़ हूँ, लिखी बड़ी हो, इसलिए आप बोलने पर समझ जाओगे। इतने में जब किसी तरह से समझी नहीं, शंकर जी बोले देखो, शंकर जी समझ गए इसकी सर्वनाश होने वाली है, कि एक तरह से शंकर जी कौन है? गुरु है। शंकर जी गुरु भी है और शंकर जी पति है, है? गुरु जी भी है पति है, लेकिन जब गुरु जी की बात ही नहीं माने फिर क्या होगा? सर्वनाश होने वाले। इसलिए शंकर समझ गई, ये मैं समझाने पर भी ये समझना नहीं चाहती, मतलब सर्वनाश होने वाली इसकी। शंकर समझ गए, बोले देखो अगर मेरी बात में तुम्हारी विश्वास नहीं है, मैं ये बटन रिको के नीचे बैठ रहा हूँ, जाओ तुम जा करके परीक्षा करके आओ। इतने में वो सोच रही है कैसे मैं परीक्षा करूँ, कैसे मैं परीक्षा करूँ। इतने में उन्होंने सोचा अगर मैं सीता रूप धारण कर लूँ ना, हाँ सीता रूप धारण कर लूँ, बस हम देखेंगे सीता रूप लेकर के। उन्होंने सीता रूप धारण करके जब गई लक्ष्मण, तो वो कौन शेषावतार बलदेव है, वो साधारण नहीं। लक्ष्मण जब दूर से देखा, बोले ये क्या है, है? उनको तो सब कुछ पता है ना, बोले ये क्या, ये माता जी ने ये सीता रूप क्यों धारण किया, समझ गए गड़बड़ी कुछ है। इतने में रामचंद्र अबाउट करना चाह रहे थे, लेकिन बार बार वो सामने आ रही थी। जब सामने आ गई, इतने में राम ने कहा माता जी शंकर जी तो उधर से चले गए, आप इधर कैसे आ गए हो? जो इतना बोली पार्वती समझ गई, पार्वती समझ गई जब मैंने गलती की, ये तो समझ गए, हैं? ये तो समझ गए मैं सीता रूप धारण करके आई थी, लेकिन मेरे को देख करके भी उन्होंने समझ गए। इतने में पार्वती तो मन में बहुत डर गई, बहुत डरते हुए अभी वो सोच रही है शंकर जी की बात पर मैंने विश्वास नहीं की, हैं? अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। जब पार्वती थोड़ी दूर गई ना, थोड़ी दूर सती जब गई, फिर भगवान राम दिखाया, है क्या दिखाया? राम लक्ष्मण सीता तीनों, है? वो कह रहे थे ना सीता को रावण उठा करके ले गया, यहाँ पर दिखाई नहीं, वो सीता हमारे साथ में। इधर देखा राम लक्ष्मण सीता, उधर देखा राम लक्ष्मण सीता, इधर देखा राम लक्ष्मण सीता, पीछे देखा तो राम लक्ष्मण सीता, चारी तरफ में राम राम लक्ष्मण सीता सीता, सिया राम मैं सब जगह जानी, सब जगह में सीता राम सीता राम सीता राम लक्ष्मण। पार्वती तो और डर गई, और डर के गए, बड़ी डरते हुए गई, डरते हुए जाकर के शंकर जी को उन्होंने प्रणाम किया। शंकर जी ने पूछा तुमने किया परीक्षा कर ली? देखो कहते अगर हमारी कोई गलती हो जाए ना, अब देखना नियम है, सीधा गलती मान लो, नहीं हमसे गलती हो गई हमको ये माफ कर दो, फिर क्या होता है वहीं पर ये बात खत्म हो जाती है। ठीक है स्वस्थ भैया गलती किया मान लिया इसलिए खत्म हो गया। लेकिन सती क्या कहती है, तुमने परीक्षा की हो? सती कहती है कहते नहीं मैंने कोई परीक्षा ली नहीं। आप जो बोलेंगे थोड़ी झूठ बोल सकते हो, आप जो बोलेंगे थोड़ी झूठ बोल सकते हो, मैंने कोई परीक्षा नहीं, आप जैसे प्रणाम किया था ना मैंने भी ऐसे प्रणाम किया। शंकर तो ध्यान लगाए ये किस रूप में परीक्षा की, ध्यान लगा करके उन्होंने देखा उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया, माता सीता का रूप धारण की। उन्होंने देख करके शंकर तो एकदम हिल गए। शंकर जी सोच रहे हैं जब इसने माता सीता के रूप धारण करी, सीता तो मेरी माँ है, पर इसको साथ में मैं पत्नी का भाव कैसे रख सकता हूँ, इसको साथ में पत्नी का भाव फिर कैसे रख सकता हूँ। फिर शंकर जी सोच रहे हैं सती है, एक तो पत्नी का भाव कैसे, फिर सोच रहे शंकर जी कहते ये सती भी साधारण है, ये सती भी, ये भी तो स्वयं जगत मा जगत जननी, ये भी कोई साधारण है नहीं सती है, इसलिए ये भी मेरे ऊपर बड़ी भक्तिमयी, मेरे को बड़े प्यार करने वाली, अब इसको मैं त्याग कैसे दे सकता हूँ। अभी शंकर जी भी बड़े दिविधा में, शंकर जी भी पड़ेगा अभी क्या करनी चाहिए। लेकिन अभी शंकर जी सोच रहे हैं जाते समय, फिर इसको साथ में और जो पत्नी पत्नी का जो भाव है ये भाव को मैं रख नहीं सकता,
हाँ क्यों, ये सीता के रूप धारण करी, माँ के रूप धारण करी, इसलिए मैं कभी पति पत्नी का भाव नहीं रख सकता। इसलिए मन मन में जब शंकर जी ये चीज को सोच लिया ना, इतने में देवता लोग ने इनके मन की भावना को समझ गए। शंकर जी समझते हुए आकाश से पुष्प वृष्टि हुई है, और पुष्प वृष्टि होकर शंकर जी के ऊपर में फूलों की बैछार की है, बोले श्री भोले बाबा की। इसलिए उन्होंने शंकर जी जयकार दी, बोले क्यों, बोले प्रभु जगत में आप ही एक व्यक्ति हो, एक बार सती ने सीता रूप धारण कर लिया तो अब पत्नी का भाव उसको साथ में पत्नी का संबंध अपने त्याग किया, ये बात साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकते। आप ही एक व्यक्ति जो चीज को कर सकते, उन्होंने जयकार दिए। जब जयकार दिए इतने में सती थी, सती ने सोचा भैया ये देवता लोग जयकार क्यों दिए, और शंकर चुप क्यों हो गए और बात नहीं कर रहे, चुप हो गए। जब चुप हो गए इतने में सती ने प्रश्न की, बोले प्रभु क्या बात है, देवता लोग ने आपकी जयकार क्यों दिया, क्या कारण है। शंकर जी कुछ बोले ही नहीं, पर इसके अंदर में फिर तो खिलबिल खिलबिल मच गई, देवी को अंदर में खिलबिल मच गई, कुछ गलती हो गई, मैंने बड़ी गलती कर दी। इतने में शंकर जी ने देखा पार्वती सती तो बड़ी दुखी हो रही है, पर शंकर जी प्रभु की कथा करते 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 आश्रम में गए, और आश्रम में जाकर के उन्होंने फिर शंकर जी क्या किया, उन्होंने फिर पार्वती को उन्होंने फिर जैसे बाम पार्श्व में बैठा थे ना, उनको नहीं बैठाया, उनको सामने आसन दिया, मतलब उनको गुरु को रूप में उन्होंने दिया, पत्नी रूप में उन्होंने नहीं देखा। जब नहीं देखा इतने में भगवान शंकर जी वहीं पर उन्होंने ध्यान में बैठे गए, एकदम अटूट उनके ध्यान लग गई। बोले कितना दिन तक ध्यान लगी, बोले 87,000 साल तक शंकर जी एकदम ध्यान में बैठे गए। जब बैठ गए अभी सती से बात नहीं कर रहे, कथा नहीं सुना रहे, अभी सती तो इतने दुखी भगवान से बारंबार प्रार्थना करे, बोले प्रभु मेरे से अपराध हो गई, माफ कर दो, मैं चाहता हूँ ये शरीर मेरी छूट जाए, अगर शंकर जी मेरे को पत्नी रूप में नहीं देखे तो फिर शरीर धारण करे क्या लाभ है, इसलिए शरीर मेरी छूट जाए जल्दी जल्दी, हे पति पावन, हे भगवान आप तो दुख दिन दुखियों को दरिद्रता को दुखियों को दुख को दूर करने वाले आप हो, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दुख को दूर करो, है प्रार्थना करने लगी। जब प्रार्थना करने लगी बड़ी दुखी चैन नहीं अंदर में, उसके बाद में शंकर जी की ध्यान टूटा। जब शंकर जी की ध्यान टूटा इतने में शंकर जी भगवान का नाम को जप करना शुरू कर दी, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, सीता जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, सीता राम। जब शंकर जी ध्यान टूटा, भगवान का नाम जप करना शुरू किया, सती को पता चला प्रभु जी की ध्यान टूट गया है। ठीक उस समय में क्या हुआ, ब्रह्मा जी उन्होंने दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति पद में नियुक्त कर दी। जो प्रजापति पद में ब्रह्मा जी को नियुक्त किए, कहते प्रभुता पाई कामद नाही, कामद नाही, मतलब कहते प्रभुता, प्रभुता मतलब होता है पद, प्रभुता मतलब होता है पद है। कहते जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति जगत में हो जिसको ऊपर में कोई श्रेष्ठ पद मिल जाए जिसका अंदर में अभिमान नहीं आएगा, कामद नाही मतलब ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको अंदर में अभिमान नहीं आए, शुद्ध भक्तों को छोड़ करके है ये जो प्रभुता जो ऐसे की चीज जो पद ऐसे की चीज है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रतमान मदभुमान। इसलिए कुंती कहती है प्रभु ये चार तरह का व्यक्तियों को भजन करना बड़ा कठिन है, जन्म उच्च कुल में ऐश्वर्य श्रुत और श्री है, ये चार व्यक्ति प्रभु तेरे भजन करना बड़ा कठिन है, बड़ा अभिमान आ जाती है। इसलिए जब प्रजापति पद में इनको नियुक्त कर दिया, बस क्या छिन्नो और क्या होनो, मतलब क्या था मैंने क्या बन गया। एक दिन क्या हुआ,
हैं प्रयाग में है, प्रयाग में उन्होंने कुंभ मेला पढ़ी। कुंभ मेला में उन्होंने बड़े गंधर्व ऋषि मुनि सबको निमंत्रण दिए। जब सबको निमंत्रण दिए, सब लोग आए यज्ञ भाग लेने के लिए। जब आए ये दक्षा प्रजापति, ये जान बुझ करके इसने क्या किया, जान बुझ करके जब सबके सब आ गए और जान बुझ करके लास्ट में आए। बोले क्यों लास्ट में आए? बोले जब लास्ट में आऊंगा सब खड़े होकर मेरे को सम्मान करेंगे। हैं लालच, इसी लालच में सब खड़े होकर के मेरी सम्मान करके पहले चले जाऊंगा तो मेरी महिमा तो किसको पता ही नहीं चलेगा मैं प्रजापति को। इसलिए उसने जान बुझ करके उन्होंने लास्ट में आए। जब लास्ट में आए उसी समय में सबके सब खड़े होकर के सम्मान किया। हैं केवल सबके सब खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन उसमें केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। कौन कौन खड़े नहीं हुए? एक ब्रह्मा जी और एक श्री शिव शंकर जी। और दक्ष प्रजापति ना इसे आंख फाड़ फाड़ देख रहा था, मैं आया तो कौन खड़ा हुआ और कौन नहीं खड़ा हुआ, सब देख रहा था। सबके सब खड़े होकर सम्मान दिए, लेकिन देखा ब्रह्मा जी शंकर जी सम्मान खड़े नहीं हुए। शंकर जी ने सोचा भैया ब्रह्मा जी पिताजी है, हैं ब्रह्मा जी पितामह है, उनका बेटा हूँ, कोई बात नहीं मेरे पिताजी है, लेकिन ये शंकर तो मेरी दामाद है और मेरी जो सबसे जो छोटी कन्या मृगनयनी जो सती है, सबसे छोटी बहुत सुंदरी थी सती, बहुत मृगनयनी बड़ी सुंदरी थी, कभी ये ब्रह्मा जी बोलने पर मैं अपना बेटी को उन्होंने शंकर जी को दिया। फिर शंकर जी मेरे क्या लगे? दामाद। और मैं क्या हो गया? पिता। मैं हो गया पिता, ससुर पिता होता है। और मैं आया तो मेरे को ही खड़े होकर सम्मान नहीं किया है? भरी सभा में शंकर जी को इतने बुरी बुरी उन्होंने गाली दिया शंकर जी को है, कहा भूत पिशाचों को साथ में रहने वाले, शमशान में रहते हो, देखो कैसे है सर के आग कैसे बंदर जैसे लाल लाल आग है, शरीर में जटा जुट भस्म धारण किए हुए अभद्र दुष्ट भूत पिशाचों को साथ में रहते हैं। लेकिन जब गाली दे रहा था ना, शंकर जी बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। अगर आप किसी व्यक्ति को गाली दो, अगर वो व्यक्ति मुस्कुराएगा फिर क्या होता है? और भी ज्यादा क्रोध हो, और भी ज्यादा क्रोध आएगा। बोले ये दुष्टों को मैं गाली दे रहा हूँ और ये बैठ बैठ कर मुस्कुरा रहे, निर्लज भैया है, ये बैठ बैठ करके फिर हंस रहे हैं जब उन्होंने गाली दे रहा था। अभी यहाँ प्रश्न होता है, भैया शंकर जी फिर खड़े होकर क्यों सम्मान नहीं किया? खड़े हो जाते पिता तो लगते हैं, ससुर तो उन्होंने सबसे सुंदर बेटी दिया, एक बार खड़े होकर सम्मान, उसमें क्या हो गया? एक बार तो खड़े हो जाते, फिर उन्हें खड़े क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ खड़े? खड़े होकर उनको सम्मान, खड़े हो जाते ना, उसमें क्या हो गया था? भगवान कीर्तन करते चिंतन। और इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती दो कारण कहते हैं उन्होंने। पहला कारण कहते हैं कि ये कौन है शंकर जी? वैष्णवा नाम यथा संभव, वैष्णव में अग्रगण्य, कदि ये उत्तम वैष्णव, शंकर जी उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव का लक्षण क्या है? क्या है? सर्वभूतेषु च भगवत भावात्मन, सभी की कत स्थावर जंगम देखे नादे के तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरेतार इष्टद मूर्ति। उन्होंने कोई स्थावर जंगम नहीं देखते हैं, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं वो सबको दर्शन करते, सबके हृदय में भगवान को दर्शन करते। जब दर्शन करते हैं दक्ष प्रजापति का हृदय में भी उन्होंने किसको दर्शन किया? ठाकुर जी को दर्शन किया। दर्शन किया तो उन्होंने उसके हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए ना उनको उन्होंने प्रणाम किया, मन मन में प्रणाम किया। लेकिन ये कौन है? दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष मतलब किस चीज में दक्ष? सृष्टि में दक्ष है, भजन में दक्ष नहीं, ये सृष्टि में दक्ष। लेकिन शंकर जी की जो उच्चा जो भावना है ये भावना को ये समझ नहीं पाया। कल ये पहला कारण। दूसरा कारण है कहते कहते ना है जथा तरोर मूलम निसेचन न त्रिप्यपितत स्कंदभुज उपसखा, जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से पूरा शाखा प्रशाखा पल्लवित हो जाता है, पल्लवित हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने जब उन्होंने देखा जब हम भगवान के चरण में जब हमने प्रणाम कर लिया, प्रणाम विश्व ब्रह्मांड में सभी का प्रणाम हो गया, अलग अलग कर कितने को खुश करोगे, अलग अलग रूप में कितने को खुश करोगे। जब भगवान को प्रणाम कर लिया सबको प्रणाम तुम्हारी हो ही गया, जब हो गया फिर दक्ष प्रजापति को अलग प्रणाम करने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। कहते ये भी एक कारण है।
इसलिए उस समय शंकर जी भगवत चिंतन में ध्यान में बैठे हुए थे, प्रभु का चिंतन में ध्यान में बैठे हुए थे। जब प्रभु की चरण में कहते ना, जहां पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई, जिसके ऊपर में भगवान की कृपा हो गया उसके ऊपर में सभी का कृपा हो ही गया। इसलिए उन्होंने ये सोच करके, लेकिन ये तो दक्ष प्रजापति शंकर जी की उच्च भावना को उन्होंने समझा नहीं। वहां पर तो सापा सापी शुरू हो गया। नंदिने खड़ी होकर नंद खड़े हो गए, बोले हरि हरत निंदा सुन ही जे काना, होई पाप को घात समाना। हरि हर का जो निंदा सुनते हैं गैया हत्या करने का पाप लगता है। यहाँ शंकर जी चुप बैठे हुए और तू बकरी जैसे बकबक 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 करते जा रहे हो। अगर तीसरे नेत्र शंकर जी खोल देना दुनिया को ध्वंस कर देंगे, इसका तो लाभ उठा रहे हो। जा तो बकबक 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 कर रहे हो, तेरे सर को पर बकरी का सर लग जाएगा। वहां पर भृगिरी से भी बैठे हुए थे, बोले तू कौन बीच में होते हो, यहाँ ससुर दामाद का लड़ाई है, तू बीच में कौन होते हो। देखियो प्रजापति को अभिशाप दे दिया बकरी का सर लग जाए, तू कौन होता है बीच में। फिर तो उन्होंने जितने शंकर जी के भक्त थे सबको पाखंडी बना दिया। प्रश्न भव व्रता धरा जेच जेच तान समान व्रस्ता पाखंडी नस्त भगत शास्त्र परिपत्ति न। जितने सब शंकर जी के भक्त सबके सब पाखंडी बनेंगे, है जितने शंकर जी के भक्त बनेंगे सत शास्त्र से विमुख रहेंगे, सबके सब अपवित्र रहेंगे, स्मशान में रहेंगे, शराब पिएंगे, सबके सब गंजा फूकेंगे। दुनिया में यही हो रहा है शंकर जी, है क्योंकि जिसका भजन करोगे उसका गुण तो तुम्हारे अंदर में आएगा ही। बस सपा सभी इतने में जब उन्होंने अभिशाप दे दिया जितने शंकर जी का भक्त पाखंड बन जाएंगे, भृगु ऋषि को बड़ा अभिमान आया। लिखिया जितने शंकर जी के भक्तों को तुमने पाखंडी बना दिया, मैं भी अभिशाप देता हूँ कलयुग में जितने ब्राह्मण सब भीख मांगने वाले होंगे। कलयुग में जितने ब्राह्मण दर दर फटकेंगे भीख मांगते रहेंगे दरवाजे पर। हाँ इसलिए कलयुग में सब चीज दिखती है, इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिए। जब उन्हें सापा सापी देने लग गए, शंकर जी ने देखा भैया यहाँ पर तो स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ तो सापा सापी समारोह। शंकर जी एकदम कुछ बोले नहीं, एकदम चुपचाप होकर चले गए, वहां से चुपचाप होकर के चले गए। तो यहाँ फिर प्रश्न होता है भैया शंकर जी को इतने गाली दिया, शंकर जी जितने भक्तों को पाखंडी बना दिया, लेकिन शंकर जी फिर चुपचाप सुन गए कैसे। शंकर जी सुने फिर कैसे, फिर किसने अभिशाप दिया भृगु, कहते उनका अभिशाप व्यर्थ जाएगा नहीं। फिर नंदी किसको अभिशाप दिया, ब्राह्मण को है भृगु ने ब्राह्मण को अभिशाप दिए है जितने, फिर इनको अभिशाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, इनका अभिशाप तो काम करेगा, क्यों इनका अभिशाप तो कोई व्यर्थ नहीं जाएगा ना। फिर नंदी ने अभिशाप दिया है, भृगु ने अभिशाप दिया, इनका अभिशाप तो व्यर्थ कभी जाएगा नहीं, जरूर फलेगा। फिर ये शंकर जी चुपचाप क्यों चले गए, कारण क्या, क्यों चले गए, किस लिए चले गए, सब उन्हें सुन चढ़कर चले गए क्यों। शंकर जी ने बताया जो बात बताया ना भृगु सही बताया, वो गलत नहीं बताया। ये कलयुग में जितने मेरे भक्त होंगे ना वो सब ऐसे ही जितने तामसी गंजड़ी भगड़ी ये सब के सब होंगे, क्योंकि तुम जिसका भजन करोगे ना उसका गुण तुम्हारे शरीर में आएगा। इसलिए देखो जितने शंकर जी के भक्तों को स्मशान में रहेंगे जटा जुट धारण करके कपाल बनकर घूमते रहते हैं। हाँ इसलिए यहाँ पर बताए शंकर जी का दो स्वरूप है, कितना स्वरूप है, कहते इनका एक रुद्र स्वरूप है और इनका एक सदाशिव स्वरूप है। उनको रुद्र स्वरूप को जो भजन करने वाले हैं उनका ये स्थिति है, लेकिन उनका जो सदाशिव स्वरूप है हर समय जो मंगलमय स्वरूप है, जैसे श्री हमारे सनातन गोस्वामी शंकर जी से प्रार्थना कर देना, श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरम देवम वृंदारण नरति प्रदम वृंदावना बनीपति जय सोम सोम मौली सनातन सनंदन नारायण गोपीश्वर ब्रज विलास जुगांग्री पद में प्रेम प्रज चलित राम निरुपाधिका। शंकर जी सुनने अहितु की भक्ति प्रेम वृंदावन में रात जुगल चरण में भक्ति की प्रार्थना करते शंकर जी को, इसलिए उनका सदाशिव स्वरूप को जो उपासना करेंगे वो प्रेम भक्ति देते हैं जीवों को। जैसे हमारे से अद्वैत आचार्य है, अद्वैत तो सदाशिव है, महाप्रभु को बुला करके जगत में लाए गौराना ठाकुर, हाँ अद्वैताचार्य,
लेकिन उनका जो रुद्र स्वरूप है, रुद्र स्वरूप को उपासना नहीं करनी चाहिए। पर ब्राह्मण को अभिशाप दिया ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण भी दो तरह के, कहते यहाँ पर जो अभिशाप ये कर्मकांड ब्राह्मण के लिए, ये वैष्णव ब्राह्मण के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण भगवान की भक्ति भजन करते हैं उनके लिए ये अभिशाप नहीं, उनके लिए अभिशाप जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनके लिए ये अभिशाप है। इसलिए वहां पर सापा सापी गाला गाली हो गया, फिर तो सबके सब शंकर जी चले गए। फिर उसी समय में फिर दक्ष प्रजापति ने क्या किया, जान बूझ करके शंकर जी का अपमान करने के लिए फिर उन्हें कनखल में लेकर के उन्होंने फिर यज्ञ आरम्भ किया, लेकिन सबको न्योता दिया, केवल श्री शंकर जी को न्योता नहीं दिया। फिर क्या हुआ हम कल सुनेंगे, फिर श्री क्या बोलते हैं, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे hare krishna hare krishna krishna hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare, hare krishna hare krishna hare rama hare hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare ram hare ram 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 hare hare, hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare ram hare ram 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 hare hare, nitai gaurang jay nitai gaurang, nitai gaurang jay nitai gaurang, nitai gaurang jay nitai gaurang, jay sachinandan jay sachinandan, jay sachinandan jay gaurang, jay sachinandan jay gaurang, hare krishna hare krishna
I'm
जय जय।